नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में स्थित खजुराहो के जैन मंदिरों को दिखाने वाले हैं, जो कि खजुराहो के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का एक हिस्सा है। आज हमारे साथ होंगे हमारे पूज्य माता पिता मौसा मौसी जी, देखने का आनंद ही कुछ और होगा। जी हाँ, जैसे ही हम फ्रंट गेट फ्रंट कैंपस जैन मंदिर के फ्रंट पर पहुँचेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पीतल की मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी, सस्ते दामों पर आपको मिल जाएंगी। मंदिर के सामने पहुंचकर सर्वप्रथम हमने एक गाइड लिया, ये जो आगे चल रहे हैं भैया जी हमें आज पूरी तरीके से गाइड करेंगे, पूरे जैन मंदिरों के बारे में डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, पूरे खजुराहो में 3 टाइप्स ऑफ टेंपल्स हैं, ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेंपल्स, वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेंपल्स और सदर्न टेंपल्स। तो ये जो जैन मंदिर है ये ईस्ट ग्रुप ऑफ टेंपल्स में शामिल है, पूर्व की तरफ ये मंदिर बने हुए हैं। जो नया मंदिर है उसमें भी प्राचीन मूर्ति। जैसे ही हमने अंदर प्रवेश किया दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर प्रवचन का पाठ चल रहा था, बहुत ही उच्च विचार होते हैं जैन धर्म वालों का। आप यहाँ पर प्रवचन सुन सकते हैं, आप मनमुग्ध हो जाएंगे, बहुत अच्छा, बहुत ही आनंद आएगा आपको। 12 महीने साथ ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ नहीं करता, नहीं उनका अलग ही है चलता है। खजुराहो में जैन धर्म के केवल 3 मंदिर हैं, जैसे सनातन धर्म में 13 कोटियाँ होती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वप्रिय माने जाते हैं, जैसे इनमें हैं 24 तीर्थांकर होते हैं, इन 24 में से 3 तीर्थांकर सर्वप्रिय माने जाते हैं। यहाँ पे जाइए दर्शन करिए, ये पूजा वाला मंदिर है। दोस्तों, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थांकर हुए हैं। 16वें तीर्थांकर शांतिनाथ भगवान को हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे, चलिए अंदर चलते हैं। जैसे ही प्रवेश करेंगे आपको पेंटिंग्स कुछ दिखेंगी, यहाँ पे जैन धर्म के बारे में इसमें दर्शाया गया है, आसपास के बारे में बताया गया है। शांतिनाथ भगवान की यहाँ 15 फीट की प्रतिमा रखी हुई है, जिसको औरंगजेब ने खंडित कर दिया था। आधुनिक मिश्रित संरचना है ये, औरंगजेब आया जो मुगल हैं, उन्होंने तोड़ फोड़ किया मंदिरों का, और जैन धर्म के ट्रस्टी जो थे उन्होंने इसको रिनोवेट करके फिर से बनाया है। जी। सामने जो जी बहुत प्राचीन मूर्ति है, 1300 साल पुरानी मूर्ति है, ये भगवान शांतिनाथ जी हैं, ये खंडित नहीं है, इसलिए यहाँ पे पूजा अर्चना होती है। जी बिल्कुल। इसकी जो हाइट है 4.5 मीटर जी, भगवान शांतिनाथ की। कौन सा ये जो सामने खड़ेंगे? शांतिनाथ जो है वो जैन धर्म के 16वें नंबर के तीर्थांकर है। 16वें नंबर यहाँ पे आपको 3 तीर्थांकर देखने को मिलेंगे, एक होंगे शांतिनाथ, दूसरे होंगे आदिनाथ और तीसरे होंगे पार्श्वनाथ। ये मूर्ति आपको नया सा लग रहा है, बाकी ये नया नहीं है, बहुत पुराना है। पुराना मूर्ति है, क्या है इसमें अभिषेक वगैरह होते हैं, घी तेल सब कुछ चढ़ता है, इसलिए इतना साइन में मार दोस्तों, यहाँ जो सारी मूर्तियाँ और मंदिरें हैं, इनको चंदेल राजवंशों द्वारा करीब 850 से 1150 ईस्वी के बीच बनाया गया था। खजुराहो में कुल 85 मंदिरें थीं, लेकिन सभी को औरंगजेब ने नष्ट कर दिया, आज सिर्फ 22 मंदिरें ही बची हैं। आप लोग अपने परिवार के साथ यहाँ जरूर आ सकते हैं घूमने, बहुत अच्छा लगेगा। ये तीर्थांकर के माता पिता हैं आदिनाथ भगवान, जिन्होंने जैन धर्म को उत्पन्न किया हुआ है, इनको ऋषभ योग के नाम से भी जाना जाता है। ये इनके पिताजी हैं नाभी राय, माता जी हैं मधु देवी, यहाँ पे भी लगा हुआ है तीर्थांकर के माता पिता। ये नई मूर्तियाँ तीनों तीर्थांकर हैं, तीनों तीर्थांकर के नीचे सिंबल है, एक में मछली बना है, एक में गैंडा हाथी बना हुआ है, एक में हिरण बना हुआ है। हिरण जो है भगवान शांतिनाथ का पति है।
ये जो मैप लगे हैं इनके आसपास के क्षेत्र हैं जैन धर्म के जो दर्शन करने वाले होते हैं। पार्श्वनाथ बगल में ये है ईस्टर्न ग्रुप पूरा अभी कौन यहाँ पे एक मंदिर में। अच्छा अच्छा। अब उसके बाद ये देखना है फिर ये वाला देखना है। ये प्राचीन है जी, ये नई बिल्डिंग है पर इसमें मूर्ति पुरानी है जी। ये पुरानी बिल्डिंग है पर नई मूर्ति है इसके अंदर। अच्छा। इसके अंदर भी प्राचीन है पर नई मूर्ति है, उल्टा हो गया है। इस प्रकार से दोस्तों आपने अभी 16वें तीर्थांकर जैन धर्म के 16वें तीर्थांकर शांतिनाथ भगवान के बारे में जाना, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अब हम चलते हैं जैन धर्म के पहले तीर्थांकर आदिनाथ भगवान जिनकी प्रतिमा 1027 ईस्वी चंदेल राजा मदन वर्मन के शासनकाल में बनाया गया था, उनके बारे में जानते हैं। जब कोविड नहीं लगा जी, दुनिया भर से लोग आ गए थे, जितने दुनिया में जैन धर्म के लोग मानने वाले थे वो यहाँ आए। चतुर्मास किया था, चार महीने रुके थे। अच्छा। चतुर्मास क्या होता है? ये होता है चार महीने जब बरसात होती है जी। बरसात में क्या होता है, ये लोग कहीं नहीं जाते हैं क्योंकि बरसात में एक तो बारिश होती है, दूसरा ये है कि कीड़े मकोड़े ज्यादा होते हैं जी। तो इनमें ये है कि अहिंसा परमो धर्म, ये चींटी का नहीं मारते जी, धोखे से भी, इसलिए ये चार महीने रुकते हैं। बाकी आठ महीने ये इधर उधर देखते ही अलग कार्यक्रम सिंहासन के ऊपर सेतु का विराजमान किया। तो जैन धर्म के लोगों का मानना है कि इन्होंने जो जीता हुआ वो जीता हुआ है अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने तन को, इसलिए ये सेतु पर विराजमान, इसलिए इनको सेतु की उपाधि दी गई है। आदिनाथ जो है वो जैन धर्म के पहले नंबर की तीर्थांकर है, इनको ऋषभ देव के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आदिनाथ जी हैं मंदिर अभी देखे इनका सिंबल बैल होता है। पार्श्वनाथ जी हैं जो अपन देखने वाले हैं इनका सब होता है 23वें नंबर के, 8, 8, 16, 8, 3, 24 तीर्थांकर। लास्ट वाले हैं महावीर जिनका शेर होता है, तो अभी अपन जो देख के आए 16वें नंबर के वो होते हैं हिरण भगवान शांतिनाथ। सब तीर्थांकरों के सब संबल होते हैं। और जो नेमिनाथ है उनका होता है संघ, मैंने आपको दिखाया था ब्लैक कलर में बैठा हुआ वहाँ 22वें नंबर, ये 22वें नंबर के संघ। तो जितने हाथी घोड़े अंदर आपको देखने को मिले, और हनुमान जी का, हनुमान जी कहाँ है, ये बंदर है तो वही हनुमान। हाँ हाँ, ये 4थे नंबर के तीर्थांकर है। 8वें नंबर के हैं चंद्र प्रभु, स्वास्थ्य के कमल है सबके, मतलब इन्होंने इसलिए है कि जब इनका स्वर्ग गए हैं तो इसके ऊपर बैठ के गए हैं, इसका ये मतलब होता है स्वर्गाधिकारी। पूरे जितने भी तीर्थांकर है मोक्ष की प्राप्ति हुई है स्वर्ग। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, अपने चाहने वालों को शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है कमेंट आप लोगों का पढ़कर। अब हम चल रहे हैं दोस्तों 23वें तीर्थांकर पार्श्वनाथ भगवान के बारे में जानेंगे। 23वें तीर्थांकर सबसे प्राचीन शिलालेख है, 954 ईस्वी में यशोवर्मन के काल में बनाई गई थी। जी हाँ, यहाँ की जो कलाएं हैं शिलालेख में जो उनकी स्थापत्य कला है, क्या गजब की कला थी उस समय। आज के इंजीनियर टेक्नीशियन सभी फेल हैं इसके आगे। ठीक है, फिर इस एरिए को बोलते हैं मंडप जहाँ पे खड़ी हुई है, टेंस को बोलते हैं अंतराल या तोरण जो एंट्रेंस होता है। और लास्ट वाला होता है जहाँ पे मूर्ति विराजमान है, वो होता कहलाता है गर्भागृह। ये सब काट डाले हैं। हाँ,
ये सब काट लिए करने के लिए। बाहर मूर्ति देख रहे हैं, ये माता चक्रेश्वरी कहलाती है, जैन धर्म की माता है और इनको माना जाता है जैसे माँ लक्ष्मी जी अपने हिंदू धर्म में। सब एक ही है मानने का अलग अलग। सामने मैंने आपको बताया था, देख रहे हैं आप पारसनाथ जी बैठे हुए हैं जो कि जैन धर्म के 30वें नंबर के तीर्थंकर हैं। इनकी ऊपर सिंबल जो है सर्प है, मैंने आपको वहाँ खिड़की में भी दिखाया था। ये जो मूर्ति है भगवान पारसनाथ की, ये 100 साल पुरानी है और जो मंदिर है ये 10वीं शताब्दी का है, मतलब 1300 साल पुराना। वहाँ पे बिल्डिंग नया था, मूर्ति पुरानी थी। यहाँ पे बिल्डिंग पुराना है, मूर्ति मूर्ति ये सामने पूजा अर्चना होती है, इसमें वो होता है। भगवान पार्श्वनाथ जी का इसमें अभिषेक होता है, पूजा की जाती है। दान बॉक्स है, दान बॉक्स है जो आप लोग बैठ करना चाहते हैं। पहले परिक्रमा लगा लीजिए फिर दान करना है, पहले परिक्रमा उसके बाद दान दीजिए जो इच्छा है आप लोगों की। चाहे उसमें आप लोग जोड़ी से आए हैं तो मनोकामना पूरी होती है। तो इस तरह हम लोगों ने पूरी एक परिक्रमा लगाई चारों तरफ और देखा कि किस तरह मुगल वंशी राजाओं ने हमारे वास्तुकला को किस तरह खंडित किया है। किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी का गर्दन नहीं, पूरा काट डाले हैं। बहुत ही देखकर मन विचलित हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, क्या कर सकते हैं। होता है वो हमेशा मध्य में होते हैं। तो ये देखिए भगवान पारसनाथ जी बीच में बैठे हुए हैं, राइट साइड आदिनाथ, लेफ्ट साइड शांतिनाथ। नीचे देखिए एक अप्सरा है, ये अप्सरा नहीं है, ये प्राचीन नदियां हैं भारत, गंगा जी और माँ यमुना जी खड़ी हुई है। कौन ये बगल वाले? अच्छा, उन्हीं के बगल से भगवान विष्णु जी चतुर्भुज रूप में खड़े हुए हैं, हाथ में शंख लिए हुए हैं। उन्हीं के बगल से यहाँ पे देखना है, अब हाथ में इंद्रदेव खड़े हुए, हाथ में वज्र लिए हुए हैं। नीचे एक हाथी है, हाथी की सूंड नीचे है। अगर हाथी की सूंड नीचे है, झुकी हुई है, तो इसका सिंबल ये होता है कि ये आप लोगों का स्वागत कर रहा है, वेलकमिंग कर रहा है। और अगर हाथी की सूंड दूसरा देखिए शेर से लड़ रहा है, अगर हाथी की सूंड खड़ी हुई है तो उसके लिए वो युद्ध के लिए जा रहा है। ये होता है शायद जी। यहाँ सामने देखिए ये पूरा कंप्लीट सेट है जैन धर्म का जी। 24 तीर्थंकर सारे मिलेंगे, बीच में मुष्ट है भगवान पारसनाथ जी है, हाथ कट गए हैं उनके, खंडित हो गए हैं सब। हाँ, आदिनाथ जी हैं, शांतिनाथ जी। बहुत प्राचीन मंदिर है, सैंड स्टोन से बना हुआ है, ठंडक है, लाइट नहीं रहती है इसमें, क्योंकि मूर्तियां क्षति होती हैं और ये विश्व धरोहर कहलाते हैं, इसलिए यहाँ पे लाइट का कोई सिस्टम नहीं रहता है। दोस्तों, इस तरह आपने शांतिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ के बारे में जाना। अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि जो यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं वो क्या डिनोट करती हैं, उनका क्या सिंबल है, क्या उनसे जानकारियाँ मिलती हैं, उसके बारे में हम आपको दिखाने वाले हैं। मंदिर है जो अभी अपन ने मूर्ति देखी है नई वाली, वही अंदर मूर्ति नहीं रखी गई। ये है वायुदेव, इनको गॉड ऑफ विंड भी बोलते हैं, वायुदेव हैं ये वरुण भगवान। इनके हाथ में गांडीव है जो महाभारत में अर्जुन के पास था, और जो अर्जुन थे वो खुद वायुदेव के ही थे। तो ये हाथ में आप देख रहे हैं गांडीव है। फिर यहाँ पे आते हैं धन के देव कुबेर भगवान, कॉर्नर के देखिए हाथ में श्रीफल लिए हुए हैं, दूसरे हाथ में इनके नेवला है। ये कौन है? धन के देव है कुबेर भगवान। अच्छा, इनका जो वाहन होता है वो नेवला होता है। हाँ। जब आप लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने के बाद रास्ता काट जाता है, नेवला शुभ माना जाता है, वो इनकी वजह से माना जाता है क्योंकि इनका वाहन होता है।
पहले इनका वाहन, पहले आंटी इनका वाहन हुआ करता था पुष्पक यान, जो रावण छीन के ले गया, और जो लंका थी वो भी इन्हीं की थी, कुबेर भगवान। एक ये मूर्ति बहुत रोचक है इस गौरव की, ये है गॉड ऑफ फायर है, इनको अग्नि देव के नाम से जाना जाता है, इनकी लंबी डांडी होती है, उन्हीं के बगल से उनकी पत्नी स्वाहा जी खड़ी होती हैं। जब अपन लोग पूजा अर्चना करते हैं तो स्वाहा स्वाहा बोलते हैं ना, तो वो अपन उनकी पत्नी का नाम उच्चारण करते हैं जी। ये बात आदमी कुछ दूसरे समझता। फिर यहाँ पे देखिए, क्योंकि बिना पत्नी के पति अधूरा है और बिना पति के पत्नी अधूरी होती है, उसको बोलते हैं अर्धांगिनी। फिर यहाँ पे देखिए, गॉड ऑफ क्रिएटर हैं ब्रह्मा जी, जिनके तीन चेहरे हैं, उन्हीं के बगल से उनकी पत्नी खड़ी हुई है ब्रह्माणी। फिर ये भगवान शिव जी और पार्वती जी खड़े हुए हैं। ये वाला नया अच्छा लग रहा होगा मूर्ति देखने में, सुंदर मूर्ति बनाया है आर्टिस्ट ने। फिर यहाँ पे एक अप्सरा है, देखिए पैरों पे अलता लगा रही है। पहले 10वीं शताब्दी में अलता चलता था, माहौनी चलता था। यहाँ पे ये वाला पाँव में इसकी, ये मूर्ति जो है बहुत फेमस है, जो पोस्ट 56 वर्षों में बन के पूरे तैयार हुए थे। कुल 85 मंदिर हैं खजुराहो में पहले। अच्छा अच्छा, आज तो 22 मंदिर। अच्छा आज 22 मंदिर। अब देखना है थोड़ा सा, ये फिर से देखिए भगवान आदिनाथ जी हैं। क्या होता है कि जो अपने मंदिर होते हैं, जो भगवान होते हैं, वो अपने भक्तों को कभी पीठ नहीं दिखाते, जी जी, हमेशा नजरों के सामने रखते हैं। तो पहले जो खजुराहो बसा हुआ था, वो बसा हुआ था उस तरफ, मंदिर का द्वार उस तरफ से था जहाँ जो अपने एंट्रेंस। फिर सडनली गांव बस जाता है इस तरफ, जैन धर्म के लोगों ने चेहरा भगवान इस तरफ कर दिया, द्वार दूसरा यहाँ से कर दिया। सब सोच विचार के होता। अब यहाँ पे बाबूजी मेरी सेवा समाप्त होती है, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा है ना, और धन्यवाद आपने मेरा बोनी कराया है, 3 दिन से बोनी नहीं हुआ है मेरा। क्यों क्या है आज दोस्तों, इस तरह खजुराहो में जो जैन धर्म वालों का मेन जैन मंदिर था, उसको हमने आपको दिखाया, और बातचीत करते हुए हम लोग बाहर आ गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही हम आपको आगे भी नया नया वीडियो लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।